अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रॉम सनत किचन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार है, जो फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी में चार दालों की रेसिपी जो कि हलीम को पीछे छोड़ेगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैंने घी ले लिया है, एक प्याज मैंने ले लिया, इसको बारीक काट के ये इसमें शामिल करके इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का ब्राउन कर लेंगे। एक टेबलस्पून मेरे पास अदरक है कुटा हुआ, ये मैंने शामिल कर दिया। और एक टेबलस्पून लहसुन है, ये भी शामिल कर दिया। एक चम्मच मेरे पास सब्ज़ मिर्च है बारीक कुटी हुई, ये भी शामिल कर दी। इनको हिला लेंगे अच्छे से। फ्राई होने की खुशबू आने लगी है, अब हम मसाले शामिल कर देंगे। एक चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है और दादरी भी मिर्च है, ये आधी चम्मच। एक चम्मच धनिया पाउडर है शामिल कर दूंगी। एक चम्मच नमक है, ये शामिल कर दूंगी। आप अपनी मर्जी से भी नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच टीस्पून मेरे पास सौंफ का पाउडर है, ये शामिल कर दूंगी। एक टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है, ये शामिल कर दूंगी। एक चम्मच मेरे पास हल्दी है, ये शामिल कर दूंगी। अब इनको अच्छे से हम लोग तकरीबन 3 मिनट तक भूनेंगे। चार दालें और चावल हैं मेरे पास, 5 चीज़ें हैं। ये मैंने आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में 3-3 चम्मच लिए थे, इनको साफ करके मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था आधा घंटा। तो ये मैं अब शामिल कर दूंगी। इनको भूनना नहीं है, बस चम्मच हिला के हम पानी शामिल कर देंगे। 8 गिलास हमने पानी के शामिल करने हैं। चिकन का मैंने गोश्त जो मैंने बॉयल किया था उसकी मैंने यखनी है, ये शामिल कर दूंगी। यखनी का पानी शामिल करके पूरे 8 गिलास पानी और यखनी का पानी को शामिल करके, और 1 कप मेरे पास ये चिकन है मैंने बॉयल कर लिया, इसको छोटा छोटा मैंने रेशा बारीक बारीक कर लिया, ये भी शामिल कर दिया बीच में। अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, इसको हम तकरीबन 25 मिनट इसको हम पकाएंगे। 25 मिनट बाद मैं मिलती हूँ आपसे। प्रेशर का ढक्कन उठाते हैं, हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें, थोड़ा सा धनिया ये शामिल कर दूंगी, एक सब्ज़ मिर्च कटी हुई ये शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा मेरे पास प्याज है बारीक कटा हुआ, ये मैं तड़के के लिए डाल दे रही हूँ घी में, इसको ब्राउन कर लेंगे। एक तेज पात का पत्ता है और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, आधा चम्मच जीरा है साबुत और थोड़ी सी काली मिर्ची है, ये भी शामिल कर दूंगी। तो सब्ज मिर्ची है, ये भी शामिल कर दूंगी। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च मेरे पास, ये शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से हिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, तड़का लगा लिया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।